बताओ साला मस्जिद नूरी का, तुम चाहे दौर के मस्जिद नूरी का, तुम चाहे दौर के मस्जिद नूरी का, 800 साल 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 मस्जिद नूरी का। आज मैं सदर मोहतरम रकीब मिल्लत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पर जो के शमशाबाद के आल मस्जिद के जॉइंट एक्शन कमेटी वालों की तरफ से यहाँ पर धरना दिया गया, उसमें मैं भी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ पर आया हूँ। और बहुत अफसोस की बात है जो के बहुत अफसोस की बात है कल ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ऑफिशियली मीटिंग बुलाने का ऐलान किए और पूरे जो महकूमे थे जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आरडीओ साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी साहब और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स को यहाँ पर हम बुलाकर मीटिंग करके मस्जिद का जो तहफ़ुज़ करने के लिए रोड वाइंडिंग में जो आ रही बोलकर जो झूठी बात चेयरमैन साहब कहे हैं आज साबित हो चुकी है। कोई डिपार्टमेंट के लोग इनको मान रहे नहीं, ना इनके पास मीटिंग में शामिल हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये चेयरमैन साहब झूठे दिलासे दे रहे हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, हथेली में जन्नत बताकर कौम और मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। तो मैं इस ताल्लुक़ से सख्त मजम्मत करता हूं और आज से दो दिन पहले सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैंने मस्जिद नूर का मायना किया और पूरे कमेटी वालों के साथ मिलकर सदर मोहतरम का जो पैगाम था वो पैगाम भी हमने वहां तक पहुंचाए। ये पैगाम था सदर मोहतरम का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी सख्त मुखालिफत करेगी और सदर मोहतरम खुद वहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे। पूरे MLS के साथ बोल के ये पैगाम मैंने पहुँचाया था। आज तकरीबन हम पूरे मस्जिद के कमेटी वाले और हम तकरीबन दो घंटे से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है चेयरमैन साहब अंदर ड्राइंग रूम में बैठकर उनकी पॉलिटिकल जो मीटिंग कर रहे हैं उस ताल्लुक़ से मैं बहुत इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। और एक चीज़ भी, आज से 8 दिन पहले पूरे मस्जिद के कमेटी वालों को आरडीओ साहब और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और मुकामी रुकन असम्बली बुलाकर ये कह रहे हैं कि 8 दिन में आप लोग जवाब दे दो, वहाँ पे मस्जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हम मस्जिद को वहाँ से हटा देंगे बोल के। ये कैसी पॉलिसी है, ये कैसा ये लोग की ज़हनियत है हमें समझने नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब आपके बयानबाजी बंद करिए, आप प्रैक्टिकल में आकर काम करिए। आप जानते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानती है, आज से 1 साल पहले अंबरपेट की मस्जिद को शहीद किया गया रोड वाइंडिंग में। वहाँ पर हुकूमत को, TRS की गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं था, गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए वो काम फिरका परस ऑफिसर्स ने किए थे। आज भी वही मंसूबा बनाकर यहाँ पर शमशाबाद की मस्जिद नूर को भी उस तरीके से रोड वाइंडिंग का निशाना बनाकर मस्जिद को हटाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। आप लोग जो ऑफिसर्स है जो फिरका परस्त ज़हनियत रख रहे हैं वो लोग को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्निंग देना चाह रही है, आपके मंसूबों में आप लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं
जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम, मेरे सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिश रसदुद्दीन अवैसी साहब मस्जिद के तहफ्फुज़ के लिए हर किस्म का एहतजाज करेंगे और मस्जिद को वहाँ पर बचाएंगे। आप जानते हैं माजी में वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की सेकुलर हुकूमत थी, उस टाइम पे भी चंद फिरखा परस्त ऑफिसर्स मुतंगी की मस्जिद को निशाना बनाए। मेरे सदर मोहतरम आधे घंटे में वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचकर मस्जिद के तकद्दस को पामाल होने से बचाते हैं और ख़ुद अपने हाथों से सीमेंट रेती मिलाकर मस्जिद के दीवारों को जो शहीद किया गया था, उस दीवारों को अपने हाथों से सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिश रसदुद्दीन अवैसी साहब उस दीवार को तामीर करते हैं। तकरीबन सुबह 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक जो मस्जिद के दीवारों को शहीद किया गया था, मेरे सदर मोहतरम के हाथों से सदर मोहतरम ने उस दीवार को तामीर करे हैं। मेरे भाई, मैं ये बात वादे करना चाहता हूँ, फिर से एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है और एक एक चीज़ की भी यहाँ पर मजम्मत करती है कि चेयरमैन साहब आपकी डोगली पॉलिसी आज यहाँ पर दिख के आ गई है। कल आप ऐलान करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाकर मीटिंग करेंगे और पुलिस के आला अहदेदारों को बुलाकर यहाँ पर मीटिंग करेंगे और नेशनल हाईवे के ऑफिसरों को बुलाकर यहाँ पर मीटिंग करेंगे। आपके बुलाने पर कौन से ऑफिसर्स आए आप बताइए मुझे, कोई ऑफिसर्स नहीं आए यहाँ पर। और आप ये आईने में हाथ में जन्नत बताने के खाबा छोड़ दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर मैं सदर मोहतरम को ये इस ताल्लुक से पूरी डिटेल रिपोर्ट दूंगा, उसके बाद सदर मोहतरम का जो फैसला रहेगा मस्जिद कमेटी वाले और पूरे शमशाबाद एरिया के अवाम उसको कबूल करेगी। और सदर मोहतरम इस ताल्लुक से बहुत फिक्रमंद है, कल रात में भी मेरे से बात करे सदर मोहतरम।